हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चेक इंडिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप विंडो 10 पे कोई भी रार फाइल डाउनलोड करते हैं तो उसका इमेज कुछ इस तरह से होगा जैसा आप देख रहे हैं इस स्क्रीन पे। क्योंकि विंडो 10 पे आप जब भी रार फाइल डाउनलोड करते हैं तो वैसे ही आता, बिल्कुल अननोन फाइल की तरह आता है। क्योंकि आप देख सकते हैं टाइप में लिखा हुआ रार फाइल, साइज भी देख सकते हैं, डेट भी देख सकते हैं। आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में भी जाकर आप देख सकते हैं यहाँ पर रार फाइल लिखा हुआ है। ऐसे केस में क्या करेंगे, जबकि आपको मैं नेट पर दिखा दूं रार फाइल जो गूगल में आप देखेंगे रार फाइल का जो फोटोग्राफ्स होता है, इमेज होता है, उस इस तरह से होता है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इमेज होता है, ऐसे नहीं है वो। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको सबसे पहले चलना होगा आपको rarlab.com पे। यहाँ पे आप आते हैं, एक वेबसाइट है जहाँ पे आप देख सकते हैं विनरार का एक सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है जो डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिफरेंट डिफरेंट है। मेरा जो है विंडो है और 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करता है, तो मैं इसको डाउनलोड करूँगा। हमने क्लिक किया यहाँ पे, देखिए डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही कम 3 MB का तरीके हो गया। और यहाँ पे हम जैसे इसको ओपन करेंगे, हम ओपन किया हमने और इसको रन कराएंगे और रन जैसे ही इंस्टॉल करेंगे हम, देखिए आप इसमें बहुत ही कम समय लगेगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। और आप इसको रन कर लेंगे, ओके कर लेंगे, फिर क्या होगा, आप देख सकते हैं। इसको आप मिनिमाइज कर लीजिए और देख सकते हैं कि आपका जो हम लोग का जो रार फाइल था वो एक इस तरह से हो गया है। फिर इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, क्योंकि इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह से आएगा। तो आपको क्या करना होगा, आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करिए, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फाइल करिए, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करिए, यहाँ पे ओके करना होगा आपको। फिर एक फोल्डर बन के यहाँ पे तैयार हो गया, देखिए यहाँ पर एक फोल्डर बन के तैयार हो गया। इसमें वो रार फाइल बिल्कुल यहाँ पे आपको एक फोल्डर के रूप में जो इसमें रियलिटी है वो मिल जाएगी आपको। थोड़ा सा वक्त लग रहा है, ज़्यादा नहीं है, तो काफ़ी अच्छा है। यदि आप विंडो 10 यूज कर रहे हैं तो रार लैब से आपको डाउनलोड करके रखना होगा, क्योंकि आप जब भी रार फाइल आप कहीं से लाएंगे तो वो अननोन फाइल की तरफ भी आएगा। और यदि आपके पास वो सिस्टम है विन रार है तो आपके देखिए आराम से ऐसा आ रहा है। राइट क्लिक करिए, यहाँ पर राइट क्लिक करिए, आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिल गई। एक्चुअली में साइबर लिंक पावर अडैप्टर का एक सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड किया था, वो रार फॉर्मेट में था। तो मैं सोचा कि मुझे जो प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे भाई लोगों को ना आए, तो मैं सोचा कि इस पर वीडियो बना दूं। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और यदि आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।